प्रणाम, छोटे को राम राम, क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नागलोई आया हुआ था, तो यहाँ पे आई लव तड़का की दुकान पे आ रखा हूँ मैं। और आई लव तड़का की दुकान है मेन नजफगढ़ रोड अपोजिट बाकी बिहारी रोड वाली गली नागलोई दिल्ली 41। देखो आई लव तड़का की दुकान पे, यहाँ पर मैं दो चीज़ें ट्राई करूँगा, एक तो कुरकुरे मोमोज ट्राई करूँगा और जो दूसरा ट्राई करूँगा वो मैं करूँगा ड्राई पनीर मंचूरियन, चिली ड्राई पनीर। तो चलिए यहाँ पे मेकिंग दिखाता हूँ आपको और आइए। अच्छा, सबसे पहले आप चिली पनीर बनाने जा रहे हो? जी। तो चलो गाइज, मैं आपको चिली पनीर की मेकिंग दिखाता हूँ। ये प्याज भैया ने कट कर लिया है। प्याज कट करने के बाद भैया फिर भैया शिमला मिर्च काट रहे हैं, और शिमला मिर्च को किस तरीके से काटेंगे वो देख लो आप लोग। इस तरीके से भैया ने बड़ा बड़ा शिमला मिर्च का पीस काट लिया है, ट्राइंगल में कटती है, ट्राइंगल इन शेप है ये। और ये भैया ने फिर मिर्ची काट लिया। मैं पूरा आपको चिली पनीर की मेकिंग दिखा रहा हूँ, उसके बाद लोग बाग अगर घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं भाई। ऐसे बना बता दोगे? आ जाओ, ज़्यादा तीखा तो नहीं हो जाएगा ना भैया? नहीं, बढ़िया लगेगा ना जी। इसके बाद भैया अदरक को काट लेंगे, और ये देखो अदरक को कितना बारीक बारीक काट रहे भैया, वाह। क्या बात है, कटिंग भी सीख लो भाई ने, ऐसे कटिंग करके दिखाई है कि आम आदमी कटिंग भी सीख लेगा। भैया एक अबे भैया ने बारीक कटा हुआ लहसुन भी दिखा रहे हैं। भैया देखो, आप अदरक काट लिया, मिर्ची काट लिया, प्याज काट लिया, कैप्सिकम काट लिया, और उसके बाद लहसुन काट लिया। अब भैया काटने जाएंगे पनीर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक हाफ प्लेट में कितना पनीर डलता है, भाई दिखाएंगे। ओ भाई साहब, कितने बड़े पीस, कटेगा नहीं अभी भाई, कटेगा नहीं? भाई थोड़ा हमारा छोटा छोटा बना दो, हमें इतना बड़ा नहीं खाना भाई। क्या हो गया? मैरिनेशन हो गया। अच्छा, तो हम पनीर को भैया पहले फ्राई कर ले रहे हैं। डीप फ्राई हो रहा है। डीप फ्राई हो रहा है। ओके, पनीर को भैया डीप फ्राई कर रहे हैं। कैसा है मेरा चैनल का नाम? अच्छा है, बुरा है? भाई सही बताओ। सही है। तो आप हंसे क्यों यार ऐसे? सही नहीं लग रहा? बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो चलो आप पनीर क्या चिली पनीर ड्राई चिली पनीर की मेकिंग दिखाता हूँ मैं आपको, और इतनी बढ़िया मेकिंग बनाने वाले हैं भैया। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि भैया ने बताया है। सबसे पहले डल गया इसमें गार्लिक, गार्लिक के बाद डल गया इसमें जिंजर, जिंजर के बाद डल गया इसमें। अच्छा, अब गार्लिक और जिंजर को भैया थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और पनीर साइड में भैया ने फ्राई कर लिया है, और अब भैया इसमें प्याज डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे, सॉटे कर लेंगे बढ़िया से भैया। अब ये देखो क्या बढ़िया ढंग से भैया कढ़ाई अपनी कलाकृति दिखा रहे हैं। और ये आ गया रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ये रेड चिली आ गई, ग्रीन चिली आ गई, टोमेटो आ गया, सोया सॉस आ गई, अजीनोमोटो आ गया, नमक आ गया, मसाले आ गए। भैया ने इसमें डाल दिया है पनीर। अब भैया यहाँ जा रहे हैं हमें कुरकुरे मोमोज की मेकिंग दिखाने। कुरकुरे मोमोज में पहले भैया ने ये क्या ऐड होता है भैया? कॉर्नफ्लेक्स होता है। कॉर्नफ्लेक्स को भैया ने चूरा चूरा बना लिया। चूरा चूरा करने के बाद अब भैया ने इसको पूरा अच्छे से कर लिया, और इसमें भैया ने मोमो डाले। वेज है ना भैया? पनीर है। पनीर, पनीर वेज? क्या बात है, वेज नहीं सिर्फ पनीर है। अच्छा, ये देखो क्या बढ़िया तरीके से हो रहा है भाई। अब आ रहा है मेरे को मजा फूड ब्लॉगिंग करने में। मोमोज नहीं पसंद मेरे को, पर कुरकुरे मोमोज बहुत पसंद है। एक प्लेट, हाफ प्लेट में कितने आते हैं भैया? कितने रुपए के होते हैं वो? 80 रुपया हाफ है, 130 का। भैया ने कर दिया है, अभी हमारे कुरकुरे मोमोज हो रहे हैं फ्राई।
फ्राई होने के बाद हो जाएंगे रेडी, और फिर आपको मैं टेस्ट करके दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो ये कुरकुरे मोमोज भी हो गए रेडी हैं, तो चलो आपको अब टेस्ट करके बता दो। देखो अब कितनी प्यारी सी कुरकुरे प्लेट की मोमोज भैया ने रेडी कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने चिली पनीर मोमो हो चिली पनीर लिया है, ड्राई चिली पनीर, तो वो टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है, दाल लोई में आ रखा था तो सोचा वीडियो बनाऊं, और वीडियो सच में बहुत बढ़िया बनी है, मज़ा आ गया। और अब कुरकुरे मोमोज ट्राई कर लेता हूँ भाई। देखो पनीर कुरकुरे मोमोज हैं, पनीर देखो देख लिए। अब लूँगा मैं मेयोनीज और ये रेड वाली सॉस, और अब तुम्हारा भाई जा रहा है खाने। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एड्रेस मैंने शुरुआत में बता दिया। धन्यवाद और प्रणाम सर।